Secondary meristem replace कर लेती है epidermis को. Cells और
शॉर्ट आप लोग एपिडर्मिस का रोल देख सकते हो। एपिडर्मिस का क्या रोल होता है? प्रोटेक्शन। एपिडर्मिस का क्या रोल होता है? क्या प्रोटेक्शन? यस यस एक्सचेंज। रेगुलेटिंग ट्रांसपीरेशन। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। स्टार्ट करें क्लास। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और
डेड सेल्स। इसके जो सेल्स होते हैं उनकी थिक पोर्स होती है और ज़्यादातर क्या होते हैं, डेड सेल्स। ठीक है, जो ट्रेकाइट्स और वेसल्स होते हैं उनके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप लोग फिगर्स में भी देखे होंगे, जो आपकी बुक्स में नॉट है, ट्रेकाइट्स के कैसे स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इस तरह से फिगर ड्रॉ कर रखी है। Thank you.
स्ट्रक्चर होने के कारण दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली. और पैरेन्काइमा क्या करता है, स्टोर करता है फूड को एंड हेल्प्स इन साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर, स्टोर्स फूड
इन नोट्स को ना अपनी नोटबुक में लिख लेना, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन रिमेम्बरिंग. तो जाइलम क्या है? जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है. कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट प्लांट पार्ट्स इज द फंक्शन ऑफ जाइलम. इज इट क्लियर?